एवरीवन, वेलकम टू जॉयज वर्ल्ड। होप यू आर ऑल फाइन। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी एज लिमिट की, नर्सरी, केजी और क्लास वन की एज लिमिट, ईडब्ल्यूएस, टीजी और सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी जो आरटीई के अंदर मुफ्त एडमिशन होते हैं स्कूलों में बच्चों की, उनकी एज लिमिट क्या होती है, किस एज पे आप एडमिशन करा सकते हैं, क्या है मिनिमम एज, क्या है मैक्सिमम एज, ये सारी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मेरे चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल और बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियोज के सभी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आरटीई एक्ट के अंदर ईडब्ल्यूएस, टीजी और सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी में बच्चों का निशुल्क प्रवेश होता है, निशुल्क फ्री में एडमिशन होता है उनका स्कूलों में, और किसी तरह की उनसे मंथली फीस नहीं ली जाती, यूनिफॉर्म की फीस नहीं ली जाती, ना ही बुक्स पर उनको कोई खर्च करना होता है। ये सभी चीजें फ्री होती हैं। पेरेंट्स के मन में ये सवाल होता है कि क्या है एज क्राइटेरिया, क्या हमारा बच्चा एलिजिबल है भी या नहीं, तो आज भी ये सारी डिटेल मैं शेयर करूंगी आपसे। यहाँ पर देखिए, तीन क्लासेस में एडमिशन होता है जिन्हें कहते हैं एंट्री लेवल क्लासेस। नर्सरी, जिसे प्री स्कूल भी कहा जाता है, केजी, जिसे प्री प्राइमरी भी कहा जाता है, और फिर क्लास वन। इन तीनों क्लासेस में एडमिशन होता है। तो नर्सरी या प्री स्कूल के लिए जो एज क्राइटेरिया होता है, जो मिनिमम एज होती है, वो होती है 3 ईयर्स और मैक्सिमम एज होती है 5 ईयर्स। मतलब 3 ईयर्स का बच्चा आपका कंप्लीट हो गया है और एज ऑन 31 मार्च जिस ईयर में आप एडमिशन करा रहे हैं, जैसे अभी 2022 में आपको एडमिशन करवाना है, तो 31 मार्च 2022 तक आपके बच्चे की एज 3 कंप्लीट हो जानी चाहिए। 3 ईयर्स किसी भी मंथ में मार्च से पहले या मार्च 31 मार्च तक अगर बच्चा 3 ईयर्स का हो जा रहा है तो उसका एडमिशन नर्सरी में हो जाएगा। और मैक्सिमम एज लिमिट है, अपर एज लिमिट है 5 ईयर्स। 5 ईयर्स तक आप अपने बच्चे का एडमिशन नर्सरी में करवा सकते हैं। फिर आती है क्लास केजी। केजी में मिनिमम एज, जो लोअर एज लिमिट है, मिनिमम एज होती है 4 ईयर्स एज ऑन 31 मार्च ऑफ द ईयर। जैसे 31 मार्च 2022 की मैं बात करूं तो केजी के लिए एलिजिबल होगा बच्चा अगर उसकी उम्र 4 ईयर्स हो गई है। और ये हो गई लोअर एज लिमिट। और मैक्सिमम एज लिमिट या अपर एज लिमिट होती है 6 ईयर्स। 6 ईयर्स तक का आपका बच्चा है तो आपका केजी में एडमिशन हो जाएगा। फिर बात करें क्लास वन की। क्लास वन में मिनिमम एज होती है 5 ईयर्स और मैक्सिमम होती है 7 ईयर्स। 5 ईयर्स अगर बच्चा कंप्लीट कर रहा है 31 मार्च 2022 तक, उससे पहले या 31 मार्च तक, तो उसका एडमिशन क्लास वन में हो जाएगा। और मैक्सिमम एज है 7 ईयर्स। 7 ईयर्स तक के बच्चे का एडमिशन क्लास वन में हो सकता है। तो ये जो एज क्राइटेरिया है, ये जो एज लिमिट है, ये डीजी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों के लिए। डीजी डिसएडवांटेज ग्रुप और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अब यहाँ पे सीडब्ल्यूएसएन, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स का भी एडमिशन जो होता है आरटीई के अंदर मुफ्त में एडमिशन होता है, उसकी जो एज लिमिट है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मिनिमम एज सेम होती है बट मैक्सिमम एज बढ़ा दी जाती है। जैसे नर्सरी की मिनिमम एज है 3 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 9 ईयर्स। केजी की मिनिमम एज है 4 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 9 ईयर्स। क्लास वन की मिनिमम एज है 5 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 9 ईयर्स। तो जो दूसरी कैटेगरी के ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी की जो मिनिमम एज है और सीडब्ल्यूएसएन की मिनिमम एज है वो सेम है, बट मैक्सिमम एज में वहां पर छूट दी गई, रिलैक्सेशन दिया गया है। मैक्सिमम एज 9 ईयर्स है तीनों ही क्लासेस के लिए। बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप एडमिशन करा सकते हैं। मतलब आपको लगता है कि जिस भी एज में, जिस भी क्लास के लिए आपका बच्चा एलिजिबल है या आपको लगता है कि वो अच्छे से कर सकता है, तो उस आधार पर आप अपने बच्चे का एडमिशन उस पर्टिकुलर क्लास में करा सकते हैं। इसलिए क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट होता है, चाहे वो नॉर्मल हो या स्पेशल नीड्स वाला हो, तो इस वजह से ये एज क्राइटेरिया में थोड़ा सा बड़ा ये दिया गया है, दायरा दिया गया है, ताकि आप अपने बच्चों का उस हिसाब से एडमिशन करवा सकें। तो ये थी जानकारी कि क्या है एज लिमिट, और आप बच्चों की एज के हिसाब से ही आप क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं। बच्चों की एज अगर एलिजिबल नहीं है तो आपको क्लास सेलेक्ट करने का फॉर्म जब आप भरेंगे तो आप क्लास नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी के दिल्ली में फॉर्म जल्द ही निकलने वाले हैं,
और इसकी जानकारी मैं जल्द ही आपको दूंगी. जैसे ही नोटिफिकेशन आता है मैं वीडियो लेकर आऊंगी कि किस कब है लास्ट डेट, कब है फर्स्ट डेट फॉर्म निकलने की, ताकि आप जल्द से जल्द अच्छी तरीके से फॉर्म भर लें. मैंने फॉर्म किस तरह से भरना है स्टेप बाय स्टेप उस पर भी वीडियो बनाया है, वो आप जरूर चेक करें, अच्छे से देख लें उसे, तो आपको फॉर्म भरते वक्त कोई भी परेशानी नहीं होगी. तो ये था आज का वीडियो. आपकी कोई और क्वेरी है तो कमेंट करके मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आया होगा तो डू हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर इट विद अदर्स, किसी ना किसी के जरूर काम आ सकता है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.